गुलबर्गा शहर के इत्तेहाद चौक से हागरगा विलेज जाने वाले रास्ते पर खराब रोड और ड्रेनेज के गंदे बदबूदार पानी से लोग बेहद परेशान हैं। इस रास्ते पर कुल 3 से 4 स्कूल और मदरसा मौजूद है, जहां आने जाने वाले मासूम बच्चे, बड़े बुजुर्ग और खवातीन को हर रोज तकलीफ हो रही है। इससे पहले भी कई बार मीडिया के जरिए इस तकलीफ को जाहिर कर इस सड़क की मरम्मत करने की गुजारिश की गई है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने यहां का सर्वे कर जल्द इस इशू को सॉल्व करने का वादा भी किया था। पिछले कई साल और महीनों से लोग रोजाना कई तकलीफों का सामना कर रहे हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और इस इलाके के सियासी लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस मामले में आवाम ने क्या कहा, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ अली पटेल है और मैं गुलबर्गे का रहने वाला हूँ और ये कनीस फातिमा का एरिया में आता है ये हागरगा रोड। और मैडम को कम से कम 10 बार बोले कि रोड बनाओ, बच्चों का यहाँ स्कूल है, स्मार्ट टेक स्कूल है और हज़ारों लोग यहाँ से आना जाना है और बच्चे गिर रहे हैं, उनको इस बात की फिक्र ही नहीं है। और मैडम का आदमी हूँ मैं भी, कांग्रेस आई का, अब उनसे बोलने के लिए मेरे को मौका नहीं मिल रहा। आप ये हालात देखिए, आप ये देखो लेडीज, बच्चों को कैसा लाना है क्या नहीं, और हज़ारों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और आप ज़रा जल्द से जल्द है ना रोड की कोशिश करके बनाइए, अच्छा होता है। ये रोड मिनिमम 8 साल हो गया, 8 साल से मैं ये रोड पे बस चलाता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। इसमें क्या है, लेडीज गिरे, बच्ची जो कॉलेज जाने आने वाले हैं उन्हें गिर जा रहे हैं, उसका देखने वाले कोई नहीं है, रोड का एक्शन ले रहे नहीं, रोड बना रहे नहीं, क्या नहीं। इससे पहले भी हम लोग सेल्फी रोड का जो फोटो वगैरह मार के MLA मैडम कनिष फातिमा मैडम को दे दिए थे, हम उसका अर्जी बोल दिए थे, रोड के लिए तकलीफ बहुत हो रही, प्रॉब्लम होता रहा बना, आके उन्होंने भी देख कर गए, उसका काम नहीं करिए। पर ये रोड की प्रॉब्लम बहुत टेंशन हो रहा, रोड आपसे ने मिनिमम 8 साल हुआ, मैं ये रोड पे कंटिन्यू क्या बस चला दूँ, मैं मिनिमम 8 साल हो गया रोड से प्रॉब्लम हो रहा, ट्रैफिक हो रहा, बच्चे गिर रहे, कॉलेज के बच्चे गिर जा रहे, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, उसका गिनती नहीं है, अनलिमिटेड होते, इसमें जरूर लोग भी गिर रहे हैं, उसको हम लोग साथ से उठा रहे, अब क्या भी बोल नहीं सकते, अगर ना कॉर्पोरेटर कौन है क्या नहीं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है हमारे लोगों को, इसके जिम्मेदारी कौन लेना है रोड का समझ में नहीं आ रहा, इसको बोलना है हम लोग। यहाँ पर जो हागरगा रोड है, यहाँ मेरा मकान है और मैं अपने बच्चों को रोज़ लेकर जाती हूँ, रोज़ आती हूँ, ये पानी में इतनी तकलीफ होती है हमको, हम लोग सब मुसलमान हैं और ये सब गंदा मोहरी का पानी आने वाला है, लेटरिन टॉयलेट सब इसमें गलाजत वाला पानी है, जिसकी वजह से हमको तकलीफ होती है, यहाँ से जाने के बाद हमको फिर वापस चेंज कर नमाज़ पढ़ना पड़ता, बहुत ज़रूरी है चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई गैर मजहब वाले हों, क्योंकि हर एक को क्या है सफाई पसंद है और नजासत रहने की वजह से कोई चीज़ कर नहीं सकता इंसान, तो लिहाजा ये यहाँ पर जो है यहाँ के कारकुन जो कारकुना जो भी जो कोई भी हो, कोई भी अदर कास्ट के हो या फिर मुस्लिम हो, तो हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये सड़क का काम हो जाए और छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाते हैं, स्कूल को जा रहे हैं तो वो गाड़ी पर जाने की वजह से स्लिप हो रहे हैं, गिर रहे हैं, हम खुद भी गिरते उठते हैं और चले जाते हैं, लिहाजा इल्तजा है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जल्द अज जल्द ये रोड का तामीरी काम शुरू कर दिया जाए और हमारे से दिली ख्वाहिश है कि हम आपको आपके हक में दुआ देंगे, नहीं तो फिर हमारे दिल से क्या निकलती है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं अपना नहीं सबका ख्याल कर बोल रही हूँ, समझ में ये बात, कोई भी मजहब का हो लेकिन क्या है उसको गंदगी से तो नफरत है, तो लिहाजा रिक्वेस्ट है तमाम खवातीन के और तमाम या अहले गुलबर्गा के रहने वालों का भी, मैं उनमें दखल करते हुए ये मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, जल्द अज जल्द इसकी तामीरी काम शुरू कर दी जाए, हर कोई आ रहा देख रहा जा रहा, इससे कुछ हल मसले हल नहीं होते। कनीस फातिमा भी यहाँ पर आकर गए हुए हैं, उन्होंने वोट लेने बराबर आते हैं कि हम आपको आपके गलियों का काम करेंगे, सड़क का काम करेंगे, हमको ये सहूलत देंगे, हमको वो सहूलत देंगे, ये क्या है मतलब के है ये सब, लिहाजा मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो आकर हमारी इस सड़क का काम करें, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं रोज लिख जाती हूँ, रोज लाती हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ है इससे, लिहाजा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे भी कि वापस आए, दौरा करें और जल्द अज जल्द इसके लिए इकदाम उठाएं। ये रोड कम अज कम 2-3 साल से ऐसा है साहब, आने का जाने का बहुत तकलीफ हो रहा है, ये रोड पे हम 2 बार गिरे सो है, फिर भी किसको बोलना है, ये हमारे किसी का हम दुश्मन नहीं है, ये जो हम जो भैया है ना लोकलिटी वाले, हमको ये करना
वो नहीं करते चुप, ऐसा इस वजह से वोट मांगने को आता, फिर ये काम करना ना डेवलपमेंट काम, वो डेवलपमेंट काम करते है नहीं, वोट मांगते जीत जाते तो कहां तो जाते, हम क्या करना, दो बार गिर गए कुछ हो गए तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होता है। सब लोग भी रहे इधर, लेडीज ज्यादा आता रहता है इधर, बहुत ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक को समझ में नहीं आते ये एरिया वालों को। कितना बार बोलना साहब, डीसी को भी मैं एक बार दो बोल रहा हूँ, हाँ करेंगे करेंगे बोले, फिर क्या करना, ऐसे ऐसे ऐसा ये नहीं, हम जाते आते रहते, दो बार गिर गए इसको, नहीं तो कोई भी नहीं पूछने वाला कोई नहीं है इधर, हाँ बोलते गए तो हाँ करेंगे करेंगे, क्या करेंगे कुछ भी नहीं करता। तो करना अच्छा करना, जो चुन के आते हैं तो उनका ये उनका ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा जो है ना उसको एक फुलफिल करना, वो नहीं करते फिर चुन के आके हूँ इधर बैठे उधर बैठे तो कैसा करना है, उनको जो समझ में नहीं है ना लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोग लो, सब लोग लोगों का प्रॉब्लम क्या है उसको डेवलपमेंट करना, चुप घर में बैठे तो करे तो कैसा सा। हाँ दो बहुत लोग जाते हैं, बच्चे लोग आते हैं दो तीन बार, इधर स्कूल भी है, स्कूल का बच्चा कैसा आना है, वो क्या तो क्या करना है, कौन है ये इसका डीसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या चीफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या, ये एरिया वाले ये एमएलए होता है ये इसका कंसर्न जो ये है ना मिनिस्टर लोग, कौन कौन समझते, कोई भी नहीं समझते, गिरते जाते जाते उनका कुछ नहीं होता, हमारा जो होता वो हमका रही होता, बच्चों आते जाता छोटे छोटे बच्चे है, वो बच्चा गिर गए तो उसको कुछ भी हो तो कौन, कोई भी नहीं समझ नहीं है, इसलिए उसको जरा ये करना सब जरा। 8 साल से जाने आने के लिए प्रॉब्लम हो रही, पानी पूरा ठहरा हुआ है, एक्सीडेंट भी हो सकते वैसा है पूरा, रोड जल्दी बने तो अच्छा होता था हम लोगों के लिए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन, डिप्लोमा इन अरबिक, 2023 एडमिशन स्टार्टेड, कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।